दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपको आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना रहना चाहिए। जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है को हर 5 साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए, और वह पुरुष जिनकी उम्र 35 से ऊपर हो और वह महिलाएं जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो को साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए। खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की जांच करने के लिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इसमें 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स। टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है खून में मौजूद टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। इसमें एलडीएल और एचडीएल दोनों शामिल होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 एमडी से कम रहना चाहिए। अगर यह 200 से 239 के बीच में है तो इसे बॉर्डर लाइन हाई माना जाता है, और अगर यह 240 से ऊपर है तो इसे हाई रिस्क माना जाता है। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह वही कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी नाड़ियों में जमकर उन्हें अंदर से ब्लॉक कर देता है। यही हार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से नीचे है तो बहुत अच्छा है, अगर 100 से 129 के बीच में है तो थोड़ा कम अच्छा है, अगर 130 से 159 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन हाई है, अगर 160 से 189 के बीच में है तो हाई है, अगर 190 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा हाई है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया माना जाता है और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा उतना ही कम होगा क्योंकि यह हमारी नाड़ियों में बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। अगर आपका एचडीएल लेवल 40 एमजी से कम है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत ज्यादा है। 40 से 59 एमजी का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल है और 60 से ऊपर का लेवल बहुत बढ़िया लेवल है। हर हाल में एचडीएल लेवल 40 एमजी से ऊपर ही रहना चाहिए। ट्रिग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट है जो अगर ज्यादा हो तो हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका लेवल 150 से कम रहना चाहिए। 150 से 199 का लेवल थोड़ा कम हाई रिस्क है, 200 से 499 हाई रिस्क है और 500 से ज्यादा बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को काबू में रखिए और हार्ट अटैक से बचिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।